हेलो गाइज, वेलकम बैक टू वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस बॉर्डर। और इस बॉर्डर का नाम है एकेरिस्तान। और इस गेम में मैं बना हुई पुलिस ऑफिसर, और मेरी ड्यूटी लगी है एकेरिस्तान बॉर्डर के चेक पॉइंट पे, जहाँ पे मेरा काम है हमारे कंट्री में इंटर होने वाले लोगों के व्हीकल्स की चेकिंग करना, उनके आईडी का वेरिफिकेशन करना, उनका पासपोर्ट की वेरिफिकेशन करना, और उनके पास अगर कोई गलत चीज़ें निकली जैसे कि ड्रग्स, अल्कोहल और ब्लैक मनी, तो उन्हें यहाँ से अरेस्ट करके हमारे प्रिजन में डालना। तो यहाँ पर ये हमारा ऑफिस, पहले ऑफिस में जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या चालू है। ओ, ये साहब जी साफ सफाई कर रहे हैं, साफ सफाई चालू है, इनकी क्लीनिंग का काम चालू है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, ये देखो इन लोगों को हमने पकड़ा है, वो यहाँ पर हमें उनको कैद करके रखा है। ये देखो 1 2 3, तीन लोगों को हमने कैद करके रखा है। क्या करें, इनको छोड़ दे? अरे नहीं भाई, इनको कैसे छोड़ेंगे, बहुत सारा माल मिला था किसी के तरफ ड्रग्स, किसी की तरफ अल्कोहल, और यहाँ पर हमने सारा माल भर के रखा है। किधर है, ये देखो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा माल भर के रखा है उनका। तो अभी हमें हमारी ड्यूटी पे जल्दी से लगना होगा, नहीं तो हमारे कॉमरेड हमारी पगार काट लेंगे। फिर पगार काट लेता है वो, बहुत ही खतरनाक लड़का है। तो ये देखो यहाँ पर व्हीकल्स आना चालू हो चुका है, बहुत ही सारी व्हीकल यहाँ पर आ चुकी है। तो जल्दी से इनको यहाँ पर एंट्री देनी होगी, लेकिन इसके पहले यहाँ पर हमारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या, वो चेक कर लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन में है कि जिसकी ड्राइवर की एज 35 होगी, उस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। कार्गो लिस्ट में क्या है, द 1981 मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसफर इज चेंजिंग द रेगुलेशन ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एकेरिस्तान, द रिक्वायरमेंट फॉर ड्राइवर्स हैव अ कार्गो लिस्ट इन इंट्रोड्यूस द प्रेजेंट इन द शूट रिजल्ट इज रिफ्यूज एंट्री। ओके, जो और यहाँ पे अननेसेसरी प्रोफेशनल जैसे कि आर्टिस्ट, टीचर और जर्नलिस्ट को हमें प्रोहिबिटेड किया है, मतलब उसे आने नहीं देना है। तो लीवर के करते हैं पुल डाउन और करते हैं शुरू हमारी ड्यूटी। तो आओ सर जल्दी, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे आकारिस्तान बॉर्डर पे। अरे ये बीच में रख ले भाई, वो डर जाएगा फिर। तो सर जी तो आ चुके हैं, अरे गन बीच में रख भाई। तो गुड डे कॉमरेड, तो इसका पासपोर्ट लेते हैं, चलो जल्दी से चेकिंग करनी होगी। सर आप पहले बाहर निकल जाओ यार, आपको बाहर भी निकलना होगा मुझे। निकलो बाहर जल्दी से, चलो पहले इनका पासपोर्ट चेकिंग कर लेते हैं। तो ये देखो इनका लेबर किधर है, टीचर है, तो टीचर को हमें शायद एंट्री देनी है या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से कहाँ पे लिखा था। हाँ ये देखो यहाँ पर किसी किसी एंट्री नहीं देनी है हमें, हाँ टीचर, आर्टिस्ट, टीचर और जर्नलिस्ट। तो टीचर को तो एंट्री नहीं देने वाले, लेकिन एक बार इसे अभी चेक ही कर लेते हैं, इसके पास अगर कुछ निकला तो। अरे बहुत छोटी गाड़ी है यार, इसमें बैठ भी नहीं पा रहा मैं। तो यहाँ पर तो इसके पास आगे कुछ नहीं है, पीछे एक बार चेक कर लेते। सर डोर ओपन करो, यहाँ पे ना ये जो यूवी रेट है, जैसे कि आपको अभी बताओगी, ये देखो ये व्हाइट लाइट है और ये फ्लैश लाइट है यूवी रेज वाली, तो इससे क्या होता है कि हमें ना जो ऐसा स्नेक जैसा बना हुआ होता है ना, तो वहाँ पर वो दिख जाता है यूवी रेज से, तो वहाँ पे ड्रग्स या कुछ भी कॉन्ट्राबैंड हो सकता है। तो इसलिए हमें अच्छे से यूवी रेज से चेक करना होता है, तभी वो स्नेक का जो साइन बना हुआ होता है वो दिखता है हमें। तो वो कहाँ पे हो सकता है स्नेक का साइन, तो वो कहीं भी हो सकता है, वो इस टायर में भी हो सकता है, वो किसी भी टायर में हो सकता है। तो देखो दिखाई तो नहीं दे, ये पीछे वाले बम्पर में भी हो सकता है, तो वो मतलब कहीं भी हो सकता है। एक मिनट पीछे ओपन करके देखते, हाँ यहाँ पर पीछे डिक्की में हो सकता है, और कहाँ पर भी, मतलब इस बम्पर में, इस टायर में, इस छत के ऊपर, कहीं पर भी हो सकता है। तो इसके पास तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ और इधर भी हो सकता है आगे वाले बोनेट में, तो इधर भी कुछ नहीं है। तो सर दिखाओ, अभी आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। का नाम क्या है, एडम कुर्बानो, कुर्बानो, ओके नाम तो बराबर है, NALC U677 वैलिड है। हाँ अरे इनको आने ही नहीं देना यार, तो फिर क्यों इतनी झंझट मारी। इसका फोटो गलत है, देखो फोटो इसकी, यहाँ पर बियर्ड है, यहाँ पर फोटो में बियर्ड नहीं है। तो यहाँ पर तो एक है, और एंट्री रेगुलेशन हम दूसरा वाला गलत डालेंगे क्योंकि टीचर है ना। तो और पासपोर्ट एक्सपायर है क्या इसके, एक बार चेक कर लेते। हाँ मिसमैच, तो पासपोर्ट भी इसका एक्सपायर हो चुका है, और डेट ऑफ बर्थ 35 का है गई, नहीं ये तो 31 का है, तो इसे हम अभी आने नहीं देने वाले भाई, बहुत ही, क्योंकि ये टीचर है इसलिए ही नहीं, प्लीज का यही एक हमारे लिए सफिशियंट था, लेकिन हमने इसके बाकी भी गलतियाँ निकाल दी। तो अभी हम इसे अच्छे से
डिनाइड कर सकते हैं। तो कहाँ पे गई हमारी इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ये देखो यहाँ पर तीन चीजें गलत निकली इसकी, इसका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, पासपोर्ट नंबर और एंट्री रेगुलेशन, जैसे कि टीचर को इकारी स्थान में एंट्री नहीं देनी है तो इसे करते हैं हम डिनाई। एंट्री क्यों नहीं देनी है, तो जो हमारे यहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसके विरोध में अभी बहुत ही ज्यादा लोगों ने, टीचर जर्नलिस्ट ये एक साथ आके उसे विरोध कर रहे हैं कि तुम कुर्सी छोड़ो, तो इसलिए उसने इनकी एंट्री बंद कर दी है। तो पता चलेगा हमें अभी कितना डॉलर मिलता है चेकिंग का, जल्दी से कितना मिलेगा। ओ और यहाँ पे परफेक्ट इंस्पेक्शन के हमें मिल चुके हैं $130। तो ये तो बढ़िया काम किया हमने इस बार। तो लीवर को करते हैं डाउन और बुलाते हैं हमारी सेकंड व्हीकल को। अरे यार आज दो ही व्हीकल है शायद, अरे नहीं 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 ये दिखी नहीं मुझे पिद्दू सी उसके पीछे वाली, और ये देखो वो एक आ गई शायद से। अरे बहुत मजा आने वाला है भाई। तो सर दिखाओ मुझे आपका पासपोर्ट, पहले दिखाओ इधर। हाँ आप भी बाहर निकलो, निकलो बाहर निकलो। They put kids on the work mind, don't get there fast, this could be disaster on tropical. अरे बाबा रे ये धमकी दे रहा है भाई। The new law tragedy put some kids work in mind. अरे करेंगे उसके खिलाफ भी कुछ करेंगे हम, पहले आप धमकी देना बंद करो, हम पहले आपकी व्हीकल चेक कर लेंगे। पूछे क्या आपकी सीट में स्नेक बना हुआ है क्या, ऊपर छत में नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर अंदर क्या है, अंदर भी कुछ नहीं है। अरे बड़ी गाड़ी है इसकी ना, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो इधर तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और इधर पीछे एंट्री कहाँ से है इसकी गाड़ी की, यहाँ से शायद। ओ पीछे भी इसके पास कुछ नहीं है, नंगा आदमी है, तो सामान भी नहीं लाया कुछ, तो जाने दो, पीछे भी कुछ नहीं निकला इसके पास। तो बंद कर देते इसका दरवाज़ा, इधर पीछे बम्पर में नहीं है, टायर चेक कर लेते एक बार, टायर ये वाला ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है, आगे बम्पर में भी कुछ नहीं, मतलब इसके पास तो कुछ नहीं है, लेकिन इसका एक टायर पंचर है शायद से, दो पंचर है क्या, ओके एक टायर पंचर है ना इसका। तो यहाँ पर हमें अभी एक चीज़ यहाँ पर डालनी होगी, ये देखो फ्लैट टायर 1-2 टायर फ्लैट है इसके, ब्रोकन विंडो, कितनी विंडो ब्रोकन हो चुकी है इसकी, एक बार चेक कर लेते हैं इसकी विंडो कितनी है, ये शायद से एक वाली नहीं, ये की ब्रोकन है शायद, और वो है पीछे वाली, ये दो विंडो ब्रोक हो चुकी है इसकी। तो यहाँ पर हम डालेंगे ब्रोकन विंडो 2, ओके। अभी इसका पासपोर्ट का अच्छे से जांच कर लेते हैं, ये रख दो अंदर, इसका नाम चेक करेंगे जोनस वाल्क, अरे भाई इसका नाम भी गलत है, तो नाम गलत निकला, 215J2YY9M, ये बराबर है अकेरिस्तान, पासपोर्ट की एक्सपायर क्या है इसकी वाली, मैच है, डेट ऑफ बर्थ कितनी है इसकी एक बार चेक कर लेते अच्छे से, 59, बहुत ही ज़्यादा उम्र है यार इसकी। तो सर नेम गलत है इसका, मतलब ये ज़बरदस्ती एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, तो इसे डिनाई करने के लिए तो हमारे पास बराबर प्रूफ हो चुके हैं, एक बार इसका फोटो भी चेक कर लेते, यहाँ पर क्या बराबर है, ओके तो इसे हम करेंगे डिनाई, क्योंकि भाई तुम्हारा सरनेम ही गलत थी, तो इसे डिनाई करेंगे हम। चलो सर आपको डिनाई किया जाता है, अरे गन अंदर रखना है यार तू, ये बार बात पे गन क्यों निकाल लेता है, इसे करेंगे हम डिनाई, ओके। तो यहाँ पर हमारा दूसरा इंस्पेक्शन हमने कर लिया, जनस वर्क नो, अरे धमकी मत दे यार तू, गन ऐसे के गोली डालूंगा ना, लेकिन हमारे इतने पैसे कटेंगे कि हमारे पुश्ते भी उस डॉलर को रिकवर नहीं कर पाएगी। अभी हमारे पास $1,166 है मतलब, तो ये पूरे के पूरे माइनस हो जाएंगे, हमने एक को भी मारा तो अभी इसका क्या किया, इंस्पेक्शन हमने सही से किया या नहीं ये तो हमें पता चल जाएगा जल्दी। तो बोलो कितना डॉलर मिलेगा या कटेगा, ओके। तो यहाँ पर द ड्राइवर डिड नॉट मीट द रिक्वायरमेंट टू इंटर द कंट्री, ओके। तो यहाँ पर हमें $100 मिल चुके हैं, अरे भाई दूसरा इंस्पेक्शन हमने आज सही किया है। तो बुलाते हैं तीसरी व्हीकल, तो आओ सर जल्दी से आओ, अरे ये क्या आराम कर रहा है इधर, क्या रही इसको एक चाकू मारू क्या, नहीं भाई पूरा डॉलर कट हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर बेड वेड की है अपनी गांठ सेकता है इधर, इसका बैठने का काम है इसका वाला, और हमें देखो कितनी चेकिंग करनी पड़ती है। तो चलो सर जल्दी से निकालो अपना पासपोर्ट, पहले बाहर निकल जाओ आप, अरे गन अंदर रख रहे,
इधर, हाँ ये रहा सर, पासपोर्ट दो अपना। सर आ दो, शैम्पू दो है तो एवरीथिंग बढ़िया ऑल दिखाओ। राइट? यस सर, एवरीथिंग ऑल राइट, बट आपका पासपोर्ट हमें चेक करना होगा, तो इसका पासपोर्ट चेक कर लेते हैं। ओ ये टीचर है यार, इसे भी हम एंट्री देने नहीं वाले वैसे। एब्लिज आजाद 5X21G6, पासपोर्ट एक्सपायर है कि इसका मैच कर गया। इसकी एज कितनी है? 35 होगी तो बढ़िया है। अरे नहीं, 28 का ही है, छोटा बच्चा है अभी। तो सब कुछ तो बराबर है इसका, लेकिन इसका प्रोफेशन टीचर है, तो टीचर को हमें ये एंट्री नहीं देनी है, तो इसे हम एंट्री रेगुलेशन के तहत मना कर सकते हैं। एक बार यूवी लाइट लगा के चेक कर लेती है कि पूछे कि इसके पास, इसे खोल के भी। अरे ये इसका उल्टा ओपन हो रहा है यार, इधर की व्हीकल्स का अलग ही चक्कर है, इनका उल्टा फाटक ओपन हो जाता है। नहीं कुछ नहीं है, एक बार आगे बीच में जाकर भी चेक करना चाहिए हमें यहाँ पर। हाँ व्हीकल सारे बहुत छोटी व्हीकल है भाई, मैं ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा उधर। इधर पीछे वाली सीट पे भी कुछ नहीं है, ऊपर छत पर उसका रूप पर भी कुछ नहीं है व्हीकल के, तो पीछे एक बार देख लेते हैं अच्छे से। पीछे भी कुछ नहीं है शायद इसके पास। आज मिलेगा या नहीं हमें कुछ कॉन्ट्राबैंड, क्या पता। नहीं है यार इसके पास, तो इसे हम डिनाई कर सकते हैं क्योंकि ये टीचर है, तो इसे करते हैं डिनाई। किया क्या हमने इंस्पेक्शन रिपोर्ट में, एंट्री रेगुलेशन के वजह से हम इसे डिनाई कर रहे हैं। तो चलो यहाँ पर हमारा तीसरा इंस्पेक्शन हमने अच्छे से कर लिया है। और ये एंग्री हो रहा है यार, तुम एंग्री मत हुआ करो यार, रिवॉल्यूशनरी गाय हो तुम। चलो जल्दी तुम्हारा ये लगा देता हूँ, रुको। ओके तो चलो हमारा यहाँ पर तो हो गया, और शायद से अभी शाम हो चुकी है। इतने बढ़िया माहौल में देखो, यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है मुझे अभी, इधर बहुत ही ज़्यादा छाव आ गई ना अभी तो। ओ यहाँ पे $70 मिले सिर्फ, इतना कम क्यों? द ड्राइवर डिड नॉट मीट, अरे फिर इतना कम डॉलर क्यों मिला हमें? हमने तो अच्छे से किया था उसका इंस्पेक्शन पूरा, तो जाने दो अभी क्या ये, कभी भी कभी भी कुछ भी कुछ भी कितना भी डॉलर दे देते। 130 दिया, फिर 100 दिया, अभी $70 दिया, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? तो बुलाते हैं अभी नेक्स्ट व्हीकल, तो आओ सर जल्दी। अरे भाई अभी शायद से रात हो चुकी है भाई, देखो यहाँ पर सूरज आगे आगे जा रहा है, अंधेरा हो रहा है, तो चलो इसको जल्दी से। और इसके पास सामान है भाई, देखो इसके पास सामान है अभी, तो दाग निकलो सर, आप बाहर निकलो पहले पहले। ओ इसके पास ड्रग्स है, ड्रग्स है, ड्रग्स है, ड्रग्स है इसके पास। तो दिखाओ अपना पासपोर्ट, दिखाओ पहले मुझे, आपका पासपोर्ट ले लेता हूँ। ओके आपका पासपोर्ट दो, पासपोर्ट आपका हम बाद में चेक करेंगे भाई, पहले तो हम इधर आपकी व्हीकल चेक करेंगे। और ये देखो यहाँ पर इसके पास बहुत ही ज़्यादा ड्रग दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा नाइफ। ये देखो यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। और क्या है इसके पास? सिगरेट। अरे सिगरेट कौन स्मगलिंग करता है भाई सिगरेट की? इधर और एक डालना होगा शायद, और एक। तीन पॉकेट हमें इसके पास से सिगरेट के मिल चुके हैं। ये जो इनलीगल तरीके से हमारी कंट्री में लेके जा रहे हो ना आप, ये बहुत ही बुरा काम है। हम यहाँ पर आपको नहीं छोड़ने वाले, हम आपको यहाँ पर ही दबोच लेंगे बॉर्डर पे, क्योंकि हम हैं एक ईमानदार ऑफिसर। तो यहाँ पर इस टायर में तो कुछ नहीं है, इधर यहाँ पर क्या है? आगे आगे होगा ही यार इसके पास कुछ ना कुछ, और इतने कम सिगरेट के पॉकेट तो नहीं स्मगलर कर सकता है। ओ इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, पीछे बम्पर में कुछ नहीं है। चलो इधर भी कुछ नहीं है बम्पर में, आगे वाले पीछे वाले। तो चलो अभी इसका सामान बाहर निकाल लेते, इसके सामान में भी हमें अगर कुछ मिल गया तो मज़ा आ जाएगा ना। निकालो बाहर निकालो, अरे शायद से आगे से निकालना चाहिए हमें। तो इसका सामान यहाँ से निकाल के निकालो बाहर निकालो यहाँ पर, और एक बार चेक कर लेते हैं हमारी यूवी लाइट से, ताकि हमें और सामान मिल सके इसके पास कुछ। अरे नहीं कुछ नहीं है इसके पास, इतना ही था शायद। किधर गया ये? हाँ ये रहा। तो एक बार सामान चेक कर लेते पहले, फिर हम उसमें भी कुछ निकला तो बढ़िया हो जाएगा ना फिर हमारा। इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, नहीं है यार इसके पास कुछ नहीं है। इसमें कुछ है क्या? नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। इसे ओपन करके देखते हैं, इसके बैग में कपड़े हैं सिर्फ, तो ये तो ठीक है। इसका नोट कर लेते हैं सामान, 2, 3, 4 सोप। कभी कभी ना इतना भाग भी जाते हैं ये, पिछली बार एक सीधा गाड़ी लेके भाग गया था, बहुत बुरा हुआ था फिर। तो चलो इसको अभी हम करते हैं अरेस्ट।
इसको हथकड़ी पहनानी होगी। चलो सर, अरे पहले इसका सामान अंदर रखना चाहिए शायद हमें। चलो सर, इनका दो सामान अंदर रख दो। सर क्या, आता मैं दो। तुम्हारा बॉस हूँ। चलो कॉमरेड, इनका सामान अंदर रखो। रख दिया शायद से, और अभी हम इनको करेंगे अरेस्ट। अरे फिर भी अरेस्ट नहीं कर पा रहा इनको। अरेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे? अरे इनके पास तो बहुत ही ज्यादा असला मिला है हमें। अरे इनका पासपोर्ट ही नहीं लिया शायद। हाँ ये देखो, हाँ क्रिस्टल अब्बास, क्रिस्टल अब्बास मैच हो गया। पासपोर्ट नंबर G230PE3Y। ओके, एक्सपायर है क्या इसका पासपोर्ट? मैच हो गया। इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है अभी? हाँ 35। देखो ऐसा रहता है, मतलब अभी इसको हम करेंगे। अरे इसको अरेस्ट का ऑप्शन क्यों नहीं रहा? नो यू नो प्रेस इन प्रिजन। अरे भाई प्रिजन में जगह नहीं है हमारे, अभी क्या कर सकते हैं हम? हमारे प्रिजन में ही जगह नहीं है, तो अभी क्या इसको छोड़ दे? इसको छोड़। ओए अलार्म, वी आर अंडर अटैक एवरीवन सर, टू आर। अरे भाई क्या हुआ? अंडर अटैक हुआ क्या यहाँ पे? अरे और ये भाग रहा है भाई। अरे नहीं इसको, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। बहुत ही ज्यादा। अरे किसने अटैक किया रे? अरे भाई बॉर्डर पे दूसरी बार अटैक हुआ है अभी तक। चलो जल्दी से भागना होगा हमें यहाँ पर। यहाँ से हम उनको मारने का जरूर ट्राई करेंगे। इधर, अरे भाई कितने लोग हो इधर? कहाँ से शायद? अरे हमारे पास गन भी इतनी छोटी है ना, इससे हम मार ही नहीं पा रहे किसी। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं पीछे 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 आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। अरे गया एक, गया दूसरा। अरे नहीं, अरे नहीं 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 गया। ये क्यों नहीं जा रहा यार, इतनी छोटी पिस्तौल है तू। ये गया, ये भी गया, इसे और मारना होगा। एक मारा नहीं, ये गया। अरे रुक 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 रुक, यहाँ पर ना वो सिलेंडर सिलेंडर रखी हुई थी, कहाँ पर है? अगर हम उस पर फायर करेंगे ना। ओ ये देखो अभी ये जनरेटर यहाँ पर, तो हम इस पर अगर फायर करेंगे तो शायद ये फट जाए। किधर यार? नहीं 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 अरे बहुत बुरा हुआ भाई, क्या हो गया? हम लॉस्ट, यू डाइड। इस बार नहीं छोड़ेंगे हम इनको, इस बार यहाँ पर उनके घर में घुस के मारेंगे इनको। दोबारा हमला कर दिया यार इन्होंने, क्या मतलब किया क्यों इन्होंने ऐसा दोबारा? इनके किसी आदमी को हमने पकड़ा तो ये सीधा हमला करने लग जाते। पिछली बार वो उसी ड्रग स्मगलर को पकड़ा था ना, वो लेके आया होंगे इनको, उसने धमकी दे दी थी फिर। अरे क्या अच्छी बंदूक तो देने का हो ना इन, यहाँ पर रुक जाते थोड़ी देर। अरे नहीं कोई भी नहीं मारा, लेकिन उसमें गया 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 गया। अरे गया गया गया, और इसने बॉम्ब डाल दिया इधर भाई, इधर गया बॉम्ब। अरे यार ना ही हमारे पास बॉम्ब है ना अच्छी गन है, इस पिस्तौल से कितने को मारेंगे हम? कोई मर ही नहीं रहा उस पिस्तौल से, इतना टाइम लग जाता है एक को मारने में, फिर भी हम मार दिए इसको हमने फिर भी। अरे पांच पांच लोग बाकी है, सिर्फ पांच बाकी। इसको 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 मारेंगे अभी सीधा। गया गया गया, इस बार इनको। किधर गया? देखो यहाँ पर गया 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 गई। अरे उसने मार दिया। अरे मर जाना भाई, मर गया मर गया। और अभी इसका काम हम गया, कितने गए अभी? दो बाकी, उनमें से एक तो इधर है, इधर चुप रहा है। अरे नहीं दो ही बाकी है सिर्फ, इनको इनको गया शायद से। नहीं 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 अरे उसने हमें मार दिया भाई। नहीं 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 गया, और यहाँ पर शायद से हम जीत चुके हैं। ओ और यहाँ पे सीधा मिल चुके हैं हमें $500। हमें
हमने कितने एनिमी को मारा? 6। वेल डन यू सी योर फिट। अरे बाय गॉड, तो कॉमरेड ने हमारी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर दी। उन्होंने कहा कि आपने साबित कर दिया कि आप बहुत ही ज्यादा फिट हो। देखो यहाँ पर ना इसको ऐसे फोड़ना था हमें, किधर गया, इसको ऐसे फोड़ना था। देखो इतना बड़ा स्पोर्ट हो जाता, लेकिन क्या करे, वो वहां तक आते ही नहीं थे। तो क्या अभी क्या है, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई क्या? अरे नहीं यार, इतना लड़ने के बाद भी किधर है लाशें, किधर है इनकी, इनकी लाशें किधर है भाई, लाशें किधर है? अरे नहीं है लाशें, इक्की भी लाश नहीं है यहाँ पे। और जिस जो बेचारा भाग गए, लेकिन जिसे हमें अरेस्ट करना था, लेकिन जान दो सामान तो मिल गया हमें, उसके पास का इनलीगल सिगरेट का पॉकेट, तो उसे हम ही इस्तेमाल कर लेंगे। तो चलो जल्दी से इस लीवर को डाउन करते, वो बुलाते हैं नेक्स्ट व्हीकल, और शायद से ये हमारी आखिरी व्हीकल ही, उसके बाद हमारी ड्यूटी हो जाएगी ख़त्म। तो सर जल्दी आ जाओ। तो आप दिखाओ आपका पासपोर्ट। अरे बाहर निकल यार तू, इधर आदमी थक जाए ले बहुत ही ज्यादा। बाहर निकलो, आप बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो। अरे इट इज नॉट कम्प्लीटली केजी, यस्टरडे आई वाज प्रोपोजिंग द थ्रेटर एंड आई टुडे आई सपोज टू बी अ जेनिटर दैट वाज द अगेंस्ट। अरे क्या क्या अगेंस्ट है नुगेश, मत बता यार हमें, हम इधर सिर्फ ऊपर के रूल फॉलो करते हैं। तो इसका नाम है JEGOR जगोर, MIK HAYLOV, नाम तो बराबर है, JO758PTK। इसका पासवर्ड नंबर भी बराबर है, इसकी वैलिडिटी चेक कर लेते एक बार, एक्सपायरी बराबर है, डेट ऑफ बर्थ तो अभी चेक करके कुछ फ़ायदा नहीं। ओके इसका पासपोर्ट तो बराबर है, एक बार फोटो चेक कर लेते, इसका फोटो भी बराबर दिख रहा है भाई, इसका फोटो भी बराबर है, और अभी नेम यूज सब बराबर है ना। इसका कार्गो निकाल लेते हैं, और पहले तो इसका गाड़ी चेक कर लेते हैं, कुछ है क्या, स्नेक बना हुआ है कहीं पे, आगे तो नहीं दिखाई दे रहा, पीछे जाके पीछे वाला चेक करना होगा, तो इधर आगे भी नहीं है स्नेक इसके पास। तो खोलो पीछे का दरवाजा, बाजू हट जा ना, अरे हट जा, हट जा, गोली मार दूंगा मैं, हट, अरे हट ना रही, अरे हट जाना रे, अरे फिर भी नहीं हट रहा है क्या इंसान, हट जा, अरे तू हट रे भाई, क्या ठटरी के हट भी नहीं रहा। इधर दूसरे दरवाजे से जाना होगा हमें, क्या कर सकते हैं अभी हम, इसका कुछ बिगाड़ तो नहीं सकते। तो ये से इस कॉन्ट्राबैंड को, इसके सामान को बाहर निकाल के अच्छे से चेकिंग कर लेते, सीट पे कुछ बना है क्या स्नेक? ओहो सीट पे तो नहीं दिख रहा। और बिल्डिंग मेंटेनेंस व्हीकल सर्विस एंड सैलरीज, अरे -$100 कर दिया यार इन्होंने आप हमारे। तो इधर तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे। ओके तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, पीछे क्या है, इसके सामान है क्या? चलो इस सामान को भी बाहर निकाल लेते, इस सामान में भी कुछ भी छुपा के लेके जाते हैं, बहुत ही नल्ले आदमी है, स्मगलर कहते हैं खुद को, और ऐसे छपरी काम करते, इनसे सामान भी स्मगलिंग नहीं होता। तो इधर वाले टायर में तो कुछ नहीं है, इधर वाले टायर में भी कुछ नहीं है, आगे वाला बोनट खुल क्यों नहीं रहा इसका, इसको नहीं है क्या बोनट? इधर भी कुछ नहीं है, हाँ ये देखो इधर बोनट है इसका, तो ऊपर जाके चेक करना होगा, कुछ नहीं है। तो इसका पासपोर्ट बराबर है, इसके पास सामान भी कुछ नहीं है, इसका एक बार कार्गो चेक कर लेना चाहिए हमें जल्दी से, क्या क्या है इसके बैग में। तो 1, 2 इधर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो लगेज 3 है, और फर्टिलाइजर की 6 बैग से। तो इसका अभी किधर है कार्गो, क्या क्या है इसके पास, फर्टिलाइजर 6 और लगेज 3, इसका तो बराबर है भाई, तो सब क्लियर है यार इस आदमी का, हैकरिस्तान नेशनलिटी सब बराबर है। चलो सर इसका सामान जल्दी से अंदर रखो, अरे क्या सिगरेट फूक रहा है ये, ये देखो ये से यहाँ पे ख़त्म कर देता है, किधर है देखो, फिर भी नहीं रख रहा, तो सीनियर को देख के तो सिगरेट बीच में रखो, अपनी जेब में रख लेता भाई सीनियर को देख के थोड़ा सा, ना देखो बैठे बैठे उसने सामान भी अंदर रख दिया, अरे क्या काम चोर इंसान यार। तो चलो इसको हम करते हैं अभी अप्रूव, इधर है, चल भाई तेरे को जाने देंगे हम, तू बहुत ही सादा सीधा इंसान लग रहा है मुझे,
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, निकल निकल जल्दी निकल निकल यहाँ से, दिख मत मुझे, निकल सारे इंसान। अरे लग जा रहे यार, ये लग क्यों नहीं रहा? अरे मेरे ऊपर से लेके जाएगा क्या? रुकना थोड़ा। ओके तो यहाँ पर हमने अच्छे से चेकिंग कर ली उसकी, और यहाँ पे हमें पर पेट इंस्पेक्शन के $130 मिल चुके हैं, और इस बार हमारी बहुत ही अच्छी कमाई हो चुकी है, और शायद से कोई व्हीकल भी नहीं है, और अभी हमारा सोने का टाइम भी हो चुका है। तो किधर किधर है वो प्रिजन? उस प्रिजन को हमें ना भाई जल्दी से खाली करना होगा यार, उसमें जगह ही नहीं है प्रिजन में। गना अंदर रख दे, जब जरूरत थी तब तो तूने चला ही नहीं गन इधर। अरे धीरे धीरे, इस प्रिजन को हमें खाली करना होगा, तीन ही लोगों की जगह है यहाँ पर। तो अभी क्या कर सकते हैं हम? अभी तो हम सिर्फ जाके सो सकते हैं। कल हमें उस प्रिजनर को शायद से उधर लेबर कैंप पे छोड़ के आना होगा, उन्हें हम लेबर कैंप पे छोड़ के आएंगे। ये देखो, आपको देखना है क्या यहाँ पर स्पोर्ट कैसा होगा, क्या होगा हमारे घर का? ये यहाँ पर हमारा कॉटेज है, इसका $150 काटा उन्होंने। ये देखो ये फटेगा, जनरेटर नहीं फटता शायद, फट जा फट जा फट जा फट जा। अरे नहीं, जनरेटर नहीं फट रहा है, रख दिया अंदर। तो कल हम जाएंगे उस प्रिजनर और वो जो हमारे पास इनलीगल कॉन्ट्राबैंड है उसे लेबर कैंप में छोड़ के आ जाएंगे। तो आज के लिए हमारी ड्यूटी तो अभी ख़त्म हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया से आज हमने फाइट भी लड़ी। तो अभी हमें जाके सोना चाहिए, इधर चलो चलो जल्दी इस भंगार वाले डब्बे में सोना चाहिए हमें। अरे इतना कमा के भी क्या इस भंगारे डब्बे में सो रहे हैं हम? तो चलो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गेम प्ले के साथ। गुड बाय।